सर डॉलर गोल्ड स्टॉक्स या फिर प्रॉपर्टी आपको मौका मिले तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे डॉलर और गोल्ड बेसिकली करंसी है इट अगर देखा जाए दुनिया की सबसे जो स्ट्रॉग करेंसी है वो है गोल्ड अब गोल्ड जो है वो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया जाता है बट एक्चुअली जो गोल्ड है वो बेसिकली करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है 1945 वर्ल्ड वॉर थ्री टू के बाद आप देखेंगे तो गोल्ड जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया था डॉलर के साथ क्योंकि डॉलर्स को जो था इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल किया जाता था तो ये दो साइड पर हो गया डॉलर और गोल्ड जो है इनमें फ्लक्चुएशन जो है यहाँ तो इतनी ज़्यादा होती है या इतनी कम होती है कि उसमें आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं ले सकते बट सेफ्टी के लिए आप वहाँ से कुछ बाइक करके रखते हैं लॉन्ग रन में जाके आपकी वो करेंसी जो है वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यूबल साबित होती है अगर

चालीस देखते हैं तो वो आज से वन थाउजेंड टाइम्स ले लें कि यहां पर लाख का प्लॉट था, तो का का था आज की डेट में देख लें तो वही पचास पचास करोड़ का है तो ये जो फर्क है इतना बड़ा डिफरेंस है, साल, साल है लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा है तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेफिनेटली स्टॉक्स अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेफिनेटली जो है जमीन बनती है इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बना दुनिया में